हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, गति, दूरी और समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आपका एग्जाम छोटा है या बड़ा है, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछा जाता है हर बार हर एग्जाम में, ठीक है। तो आज हम इसको सीखेंगे कि एक छोटा बच्चा भी इसे आसानी से सीख पाए। तो अगर आप इस टॉपिक से पहली बार भी रूबरू हो रहे हैं तो मेरा दावा है कि इस क्लास के बाद आपको ये टॉपिक आप कभी भूलने नहीं वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। कार है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, और बहुत सारे आप साइकिल चलाते हैं, शिप में जाते हैं, तो उसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है। अगर आपने देखा होगा कार या स्कूटर या बाइक में, ठीक है, तो वो आपकी स्पीड बताता है कि भाई आप इस समय 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, आप 40 की स्पीड से चल रहे हैं, अब आप 120 की स्पीड से चल रहे हैं, अब आप 160 की स्पीड पे चल रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एक स्पीडोमीटर है तो इसमें 140 की स्पीड दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है ये इस समय 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनकी अलग अलग गति होती है। आप पैदल चलते हैं तो अलग गति होती है, जब आप बाइक पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, तो अलग गति होती है, ठीक है। तो अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे आज तीन लोग हैं, ठीक है। एक आपके जैसा बच्चा है, ठीक है, जो जिसकी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और एक दूसरे मैडम है जो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। अब इन्होंने शूज ही कुछ ऐसे पहने हैं, अगर शूज स्पोर्ट्स होते तो शायद और भी बेहतर ये चल पाते, ठीक है। एक ओल्ड एज लेडी है जो जिनकी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर ये चल पाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भाई अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो ये लोग कितने कितने टाइम में करेंगे। अब इस बालक की बात कर लेते हैं, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 40 किलोमीटर को कितना टाइम लगाएगा, 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लगता है, 20 के लिए 2, 30 के लिए 3 और 40 के लिए 4 घंटे में ये काम उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। अब ये है मैडम, मैडम 8 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, तो 2 घंटे में 16, 3 घंटे में 24, 4 घंटे में 32 और 5 घंटे में 40, ठीक है। तो इनको 5 घंटे लगेंगे 40 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। और ये आंटी जी हैं, तो अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 2 में 10, 4 में 20 और 8 में 40, ठीक है, तो इनको 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इसको चुटकियों में इन क्वेश्चंस को आप करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप इसको इस ट्राइंगल के वे से समझें तो और भी बेहतर होगा, आपको भूलने के चांसेस कभी भी नहीं रहेंगे। और जब भी आपको अगर ऐसा लगेगा तो एक ट्राइंगल बनाइए, ठीक है। ऊपर डिस्टेंस लिखा जाएगा, नीचे स्पीड और राइट साइड को टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस जब आपको निकालना है तो क्या है, स्पीड इनटू टाइम आप करेंगे। जब स्पीड निकालनी है तो देखिए, स्पीड है तो डिस्टेंस के अपोजिट क्या होगा, ये टाइम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर आप यहां से इस फॉर्मूले को समझते हैं तो स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस आपका ये है और इसको इससे स्पीड को आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दूरी बराबर है गति गुणा समय, गति निकालनी है तो दूरी बटा समय, समय निकालना है तो दूरी बटा गति, ठीक है। तो मतलब अगर आप दूरी के अलावा कुछ और निकाल रहे हैं, जैसे गति या समय निकाल रहे हैं, तो दूरी आपकी जो है हमेशा ऊपर रहेगी, डिस्टेंस आपका ऊपर रहेगा, बाकी जो तीसरी चीज है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इतना छोटा सा कंसेप्ट है, मुझे लगता है आप पूरा इसको दिमाग में बिठा के रखेंगे सो देट आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इन्हीं तीन फॉर्मूलाज के बेसिस पे होंगे, ठीक है।
प्यारे बच्चों, अब करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो जेएनवी 1998 के एग्जाम में आया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? हाउ मच डिस्टेंस विल अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कवर इन 5 आवर्स? ठीक है, तो देखो पहली बात है इसमें देखने वाली कि जिसके साथ किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इस तरह से लगा है, ये क्या है? हमारी स्पीड है, ठीक है, और जो टाइम दिया है जिसके साथ आवर्स लगे हैं वो क्या है? टाइम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है इसमें? गति स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम हो गया 5 आवर्स, ठीक है, 5 घंटे है। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस का आपको अगर फॉर्मूला याद है क्या है? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, गति गुणा समय। तो 40 गुणा 5 करेंगे तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी 5 घंटे में, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो देखिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपको क्या बोला है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो 5 घंटे में कितना चलेगी? भाई डायरेक्टली आपको पता लग गया कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में 40 गुणा 5 200 वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आया है आपको जेएनवी 2015 में। एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर इन 8 आवर्स, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज, ठीक है। तो देखो बेटा ये क्या है? 8 घंटे मतलब क्या है? समय है ये, और ये किलोमीटर लगा है। अगर यहां पे इस तरह से प्रति घंटा लिखा होता, ठीक है, पर आवर लिखा होता तो ये स्पीड होती, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। किलोमीटर प्रति घंटा अगर लिखा है तो वो क्या है? स्पीड है। लेकिन अगर केवल किलोमीटर है तो वो क्या है? डिस्टेंस है। तो देखो हमारे पास यहां पे क्या आ गया? दूरी आ गई 400 किलोमीटर और समय आ गया है 8 घंटे, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको? स्पीड निकालनी है। स्पीड जिसको आप बोलते हैं, गति भी बोलते हैं और चाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला? क्या है? दूरी बटा समय। तो देखो बेटा 400 बटा 8, तो ये आ गया 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 800, तो इसका मतलब है कि गति क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर? जेएनवी 2017 में एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में कुछ टेक्निकलिटीज भी है तो इसलिए बेटा आपको ध्यान से देखना है ना। क्या है? आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, कुछ भी इस तरह का लिखा हो जिसमें या तो स्लैश लगा हो या पर आवर, पर प्रति घंटा, प्रति सेकंड, कुछ भी इस तरह का दिया हो तो वो क्या होती है? हमारी स्पीड होती है, ठीक है। तो स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और 350 मीटर की दूरी, किलोमीटर की दूरी, किलोमीटर अकेला है, कुछ और नहीं लगा है, तो ये क्या है? हमारा डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 350 किलोमीटर। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है समय, ठीक है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? देखो डिस्टेंस हमेशा ऊपर रहेगा और जो भी दूसरा आपको निकालना है वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 350 किलोमीटर और स्पीड है 75।
तो क्या ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं? तो आई थिंक कि 75 और 350 25 के टेबल में भी आएगा। अगर आप उतना नहीं कर सकते हैं तो 5 के टेबल में कर लेते हैं। 5 15 5 75 और ये आ जाएगा 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। ठीक है, नो ये आएगा 70। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। 5 3 15 और ये आ गया 14 5 जा 70। तो आपके पास आ गया टाइम कितना आया 14/3 घंटे। ठीक है, लेकिन ये तो आंसर में नहीं है तो क्या करेंगे? देखो बेटा, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा 3 को 14 से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, इसलिए ध्यान से देखना। ठीक है, किस तरह से हम ये नॉर्मल वाला नहीं है, तो 3 का टेबल जो है 14 के लिए कितने तक पड़ेंगे? 3 चौके 12। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 12। तो यहां बचे 2। अब 2 तो 3 के टेबल में 2 नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से 2 बचे हैं, तो 2 को हमें किस में बांटना पड़ेगा? मिनटों में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। 2 घंटे में कितने मिनट होंगे? बराबर है 120। ठीक है, अब 120 के लिए हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप 3 चौके 12, ये आ गया 0 और ये 0, तो मतलब ये 3 0 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 hour and 40 minutes। ठीक है, फोर्टी मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। अगर देखिए आप इसको सिर्फ यहां तक करते हैं तो क्या आपके पास आता? 4/3 घंटे। ठीक है, आंसर इस तरह से भी दिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, तब तो आपका डायरेक्ट आ जाता। लेकिन जब 2 घंटों को 3 से भाग करना है तो घंटों को हमें मिनटों में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 घंटों में 120 होते हैं मिनट, तो उसको हमने 3 से किया तो हमारे पास 40 मिनट रह गए। तो 4 घंटे और 40 मिनट इसका आंसर आएगा, जो आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ठीक है, तो क्या है कि यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड जो है मीटर प्रति सेकंड में जब आपको चेंज करना है तो छोटा है। ठीक है, तो 5/18 होगा। ठीक है, इसका अपोजिट भी होगा, जब आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 18/5 होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें जब बदलना है मीटर प्रति सेकंड में तो हम क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो गया? 8 18 1 18, 18 3 54, तो ये हो गया 3 5 15 मीटर प्रति सेकंड। हमारा आंसर होता है सी। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि 5/18 ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? तो बेटा 5/18 क्या है? ये है 1000/3600 को आगे ब्रेक करके जो हमारे पास आता है। अब 1000 क्या है? जब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले मीटर में बदलना पड़ेगा। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 × 60 3600 सेकंड होते हैं, तो घंटे को भी हमने सेकंड में बदल दिया, तो उसको हमें सॉल्व कर लिया तो 5/18 आता है, इसलिए हमारे पास ये शॉर्टकट है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद है
60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो इस क्वेश्चन को तो आप खुद कर सकते हैं। आई होप कि आप पेन कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे हैं। तो मैं आपको 20 सेकंड्स का टाइम देता हूं, आप करिए। कैसे करेंगे? 60 गुणा 5 बटा 18, ठीक है? तो 6 × 3 = 18, 6 × 60 क्या बच गया? इसको हम यहाँ मीटर प्रति सेकंड लिख लेते हैं। तो 10 × 5 = 50 और बटा 3। अब इसको कैसे करेंगे? 3 × 15 = 45, 16 × 3 = 48, 16 तक जाएगा टेबल। और ये बच गया 2 बटा, यहाँ पे शेष बच गया 2, लेकिन हमारे पास क्या है? अब सिर्फ सेकंड्स हैं। सेकंड्स को हम कैसे करेंगे? ठीक है, 2 तो 3 का पहाड़ा 2 दशमलव लगा के 0 आएगा, तो क्या करेंगे? 3 × 6 = 18, ठीक है? तो ये मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, क्योंकि यहां पे हम ऑलरेडी सेकंड्स हैं, तो सेकंड्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको नॉर्मली भाग किया है, ठीक है? तो हमारा आ जाएगा 16.6 आंसर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो जेआरबी 1998 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी करना है तो क्या करना है? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है? अदरवाइज आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए सिंपल सी टेक्निक है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 5 × 20 और 18 × 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो अगर आपको सही टेक्निक पता है तो इस तरह से चुटकियों में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? तो इनको आप अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि शायद आप दोबारा वीडियो पे ना आए, वैसे तो आप चाहे तो इसको दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है? अगर अभी तक आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है तो प्लीज इस ऑनलाइन क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। एक बस 9:45 पर प्रातः 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, वह अपने गंतव्य से 400 किलोमीटर दूर है, तो अब बताइए बस कितने बजे पहुंचेगी, ठीक है? क्वेश्चन आसान है, आपको टाइम साथ में दे दिया गया है, तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है। क्या है? देखो, इसमें किलोमीटर प्रति घंटा लगा है, तो मतलब क्या है? ये क्या है? हमारी चाल है, गति है, ठीक है? तो क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर, यही दूरी है, ठीक है? तो क्या करेंगे? आपको क्या निकालना है? समय निकालना है। समय या चाल निकालना हो तो क्या होता है? दूरी बटा गति, ठीक है? तो दूरी है आपकी 400 और गति है 80, ठीक है? 8 × 5 = 40 और 800 से 0 कट गया, तो आपके पास आ गया 5 hours, ठीक है? तो अब 9:45 से 5 घंटे और जोड़ लीजिए। इसका एक सिंपल सी टेक्निक मैंने आपको पहले भी बताई है, क्या करेंगे? देखो, ये है आपका, यहां से एक घंटे में कितने कहां पहुंचेंगे? 10:45 पे एक घंटा हुआ, ठीक है? 2 घंटे हुए 11:45 पे, 3 घंटे हुए 12:45 पे, 4 घंटे हुए 1:45 पे और 5 घंटे होंगे 2:45 पे। 2:45 यहां पे जो आपको 24 आवर के उसमें दिया गया है, तो आप 12 के बाद सीधा 13:45 और उसके बाद 14:45 आपका सही आंसर आएगा, ठीक है? तो
इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो व्यक्ति प्रातः 7:30 पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। ये अलग अलग डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पे है ए, इस पॉइंट पे है बी, ठीक है। यदि उनकी चालें, ये चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और उनके बीच डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन को करना है तो एक तो इसका टेक्निक है कि आप इनकी सापेक्षिक स्पीड निकाल लीजिए, ठीक है, मतलब कंबाइंड स्पीड निकाल लीजिए। तो क्या होगी, कंबाइंड स्पीड क्या होगी, 4 किलोमीटर इसकी है पर आवर और इसकी 6 किलोमीटर पर आवर है, तो इनकी कंबाइंड स्पीड क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपको डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, समय कितना लगेगा, तो दूरी बटा चाल, ये स्पीड है ना इसकी, तो दूरी आई 25 किलोमीटर और स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आ गया 2.5 घंटे बाद वो इकट्ठे मिलेंगे, एक जगह पे मिलेंगे, ठीक है। तो 2.5 घंटे मतलब 2.5 घंटे। अब यहां पे 0.5 का मतलब है कि 30 मिनट, आप ये भी लिख सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 10, 5×5=25, तो 5/2 को आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 = 1/2 घंटे। 1/2 को यहां 0.5 लिखा गया है, ठीक है। तो 1/2 घंटे मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1/2 घंटे में 30 मिनट होंगे। तो मतलब अगर ये 7:30 यहां से चल रहे हैं तो 2.5 घंटे बाद, 7 के बाद 1 घंटा हुआ 8:30 पे और दूसरा घंटा हुआ 9:30 पे और 30 मिनट और ऐड किए, तो मतलब ये 10 बजे जो है आपस में मिलेंगे, ठीक है। ये भी इसकी एक टेक्निक हो सकती है। अब हम इसकी दूसरी टेक्निक देख सकते हैं, उसके लिए हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब अगर हम इनको देखें तो क्या है कि ये 1 घंटे बाद कहां पहुंचा है, 4 किलोमीटर हो गया इसका 1 घंटे बाद, इसका हो गया 1 घंटे में 6 किलोमीटर। तो उसके बाद अगले 2 घंटे बाद ये पहुंच गया यहां पे 12 किलोमीटर में और ये पहुंच गया है 8 किलोमीटर में, ठीक है। मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल 8 किलोमीटर इसने कवर कर लिया है, यहां से 2 घंटे में इसने कर लिया है 12 किलोमीटर, ठीक है। तो अब देखिए 12 और 8 = 20, मतलब यहां जो डिस्टेंस बचा है ये बचा है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये लोग जो है 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है, तो 4 अगर ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर चला तो यहां जैसे पहुंच जाएगा और ये 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलेगा, तो यहां जैसे ये यहां से भी आगे निकल जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है, ठीक है। तो अब हमें देखना होगा कि आधे घंटे में कितना चलेगा भाई, ये चलेगा 2 किलोमीटर और ये 6 का आधा 3 किलोमीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो है टाइम कितना हुआ, 2.5 घंटे हो गए, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ये लोग जो है बी 2.5 घंटे में
या जब ये मिलेंगे तो कितने किलोमीटर ये कवर कर चुके होंगे, ए या बी, किसी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको बी पूछा जाता है तो 15 किलोमीटर कवर कर चुका होगा, अगर ए पूछा जाता है तो 10 किलोमीटर कवर कर चुका होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, आपको इसके लिए तैयार रहना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है, व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए। ठीक है, अब देखो क्या है, 5 मिनट में कितना चलता है, 600 मीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 600 बटा 5 मीटर, यही चलेगा। ठीक है, 1 मिनट में तो इसको अगर आप काट देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 120 मीटर। तो आप बोल सकते हैं उस व्यक्ति की जो स्पीड है वो क्या है, 120 मीटर है प्रति मिनट। ठीक है, अब 1 घंटे का निकालना है तो 1 मिनट का आपके पास है, तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 120 को 60 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, मीटर में है, तो ये आ गया आपके पास, दो जीरो हैं तो उनको हमने एज इट इज लिख लिया, 12 छिके 72, ये 7200 मीटर चल पड़ेगा। ठीक है, 60 मिनट में, 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 घंटा। तो अब इसको मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया किलोमीटर, तो जब इससे डिवाइड करेंगे, नीचे 3 जीरोस हैं तो 0.3 अंक पहले लगेगा, तो 1 घंटे में 7.2 किलोमीटर चल रहा है, तो हमारा सही आंसर होगा बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 90 मीटर के प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोला है कि भाई एक प्लेटफॉर्म है 90 मीटर का, उसको पार करने में कितना समय लगाएगी। ठीक है, तो इसको अगर आपको करना है, एक तो तरीका है कि आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, सिंपल सी बात है, वो आपको अच्छी तरह से आता है। तो 54 किलोमीटर पर आवर को जब हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो बताइए हम किससे गुणा करेंगे। चलिए, आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स, कौन बता पाता है। यस यस यस, रोहित 1, गावेशी 2, यस, अक्षत, गगन, चलिए बहुत बढ़िया, मतलब आपको ध्यान में है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 18 तीये 54, 5 तीये 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, 15 मीटर चलता है वो 1 सेकंड में। ठीक है, 1 मीटर कितने में चलेगा, 1/15 सेकंड में। ठीक है, यही है। तो 90 मीटर कितना चलेगा, 90 मीटर के लिए अगर 1 मीटर को उसको लग रहा है 1/15 सेकंड, तो 90 मीटर के लिए कितना लगेगा, 1/15 गुणा 90, 15 छिके 90, 6 × 6 सेकंड, आपका 6 सेकंड्स आपका आंसर आएगा। तो जो आंसर होगा वो है आपका बी। ठीक है, जेएनवी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि आप इसके बाद आपको कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हम बहुत बेसिक से इस टॉपिक को कर रहे हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक मोटर कार दिल्ली से पटना के बीच की दूरी 10 घंटे में तय करती है। यदि मोटर कार मार्ग में रास्ते में 2 घंटा 30 मिनट रुकती है तो दिल्ली से पटना की दूरी ज्ञात कीजिए। अ मोटर कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पटना इन 10 आवर्स। इफ द मोटर कार स्टॉप्स
on the way for 2 hours and 30 minutes. Find the distance from Delhi to Patna. ठीक है, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, टाइम कितना लगा है वो यहाँ पे मेन चीज है. ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो गाड़ी की गति क्या बताई गई है, गति बताई गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा. ठीक है, और टाइम कितना दिया है, समय कितना दिया है, कोई बताएगा मुझे समय कितना लगा है? सर 10 घंटे तो लिखा है सामने. ठीक है बेटा, 10 घंटे तो लिखा है, लेकिन क्या बोला है कि गाड़ी 2 घंटा 30 मिनट रुकी है रास्ते में. ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट, तो मतलब गाड़ी ने समय कितना लिया है, 7 घंटे 30 मिनट गाड़ी चली है. ठीक है, अब देखो यहां पे हमें 30 मिनट को घंटों में बदलना पड़ेगा. अब आपको पता है कि 30 मिनट को घंटों में कैसे बदलेंगे, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो 30 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, 30 एकम 30, 30 दुना 60, ओके, तो 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटे. ठीक है, तो 7 जमा 1/2 घंटे आपका यहां आ जाएगा. इसको आप फर्दर ऐड कर लेंगे, तो अगर आप इसको सिंपली बटरफ्लाई मेथड से भी करते हैं इस तरह से, तो 7 × 14, 1 एकम 1, तो 14 × 1 = 15/2 घंटे गाड़ी चल रही है. ठीक है, अब आपको निकालनी है दूरी. दूरी कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, गति या चाल गुणा समय. ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लग रहा है ये, तो 2 से 80 कट जाएगा, 40 आ जाएगा, तो 40 × 15, 0 की 0 आ जाएगी, 15 × 4 = 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा डी. ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया, मेन था इसमें टाइम का, टाइम 10 घंटे लग रहे हैं लेकिन 2 घंटा 30 मिनट गाड़ी रास्ते में रुकी है, तो 2 घंटा 30 मिनट को हम माइनस कर देंगे, जो आया 7 घंटे 30 मिनट. 7 घंटे 30 मिनट में भी एक टेक्निकल चीज है, 30 मिनट, 30 मिनट को आप घंटों में बदलेंगे, तो 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है. ठीक है, आधा घंटा मतलब 1/2 घंटे. ठीक है, तो आपने 7 + 1/2 घंटे जोड़ दिए, तो जिसका मतलब है 15/2 घंटे, तो उसको आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने मिनट में पार करेगी. तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, JNB 1999 में यह क्वेश्चन आया है, और अगर आपने टेक्निक को सीख लिया तो आप इसको बिल्कुल चुटकियों में करेंगे. ठीक है, क्या बोला है बेटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर कितने में चलती है, 60 मिनट में, तो मतलब 1 किलोमीटर चलती है 1 मिनट में, तो 2 मिनट में, 2 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगाएगी, जब 1 किलोमीटर 1 मिनट में चलती है तो 2 किलोमीटर 2 मिनट में पार कर लेगी. वेरी सिंपल. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं, रुख क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, देखिए सेम इसी तरह का क्वेश्चन सेम ईयर में एक और पूछा गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलिए. ठीक है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 किलोमीटर को अगर आप मिनट में बदलेंगे कि कितने किलोमीटर कितने मिनट में चलेगी, तो बेटा देखो एक किलोमीटर 1 मिनट में चलती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 किलोमीटर पर मिनट. ठीक है, अब यहां पे अगर इसको पूछा जाता कि भाई यहां स्पीड मान लीजिए क्या होती, क्वेश्चन आपको नॉर्मली इसी तरह का पूछा जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो प्रति मिनट क्या होनी थी, 2 किलोमीटर प्रति मिनट. ठीक है, अगर ये 180 होता तो 3 किलोमीटर प्रति मिनट. ठीक है, अगर ये 30 किलोमीटर होता
तो 1/2 किलोमीटर प्रति मिनट, क्योंकि 30 किलोमीटर एक घंटे में चलने का मतलब है कि भाई क्या है, एक मिनट में कितना चल रहा है, 1/2 किलोमीटर, ठीक है, या 1 किलोमीटर के लिए 2 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये है मिनट्स, ये मिनट्स है, ठीक है। तो 1/2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे अगर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति होती तो उसको किलोमीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए क्या आता, ठीक है। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तब तक आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं, मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर दे पाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बेटा इसको ध्यान से देखना और समझना भी आपने, ठीक है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। इन हाउ मच टाइम विल अ 1500 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 500 मीटर लॉन्ग। तो बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्या कि आपको जो है डिस्टेंस आपको निकालना यहाँ पे मेन बात है। डिस्टेंस मतलब दूरी। अब देखिए इसमें 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 500 मीटर लंबा पुल है। ये पुल की जगह प्लेटफॉर्म हो सकता है, एक रेलगाड़ी हो सकती है दूसरी, ठीक है, जो खड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों चीजें जुड़ेंगी। डिस्टेंस 1500 मीटर लंबी ट्रेन है और 500 मीटर लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है, सॉरी पुल है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2000 मीटर। अब है किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे लगा है इसके साथ, तो इसका मतलब क्या है, ये है स्पीड, गति या चाल जिसको हम बोलते हैं। तो गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एक बात अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन में हमें आंसर दिया है सेकंड्स में, ठीक है, और ये भी क्या है, मीटर में है, ठीक है। अगर ये किलोमीटर में होता तो हम निकाल सकते थे इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, लेकिन आंसर सेकंड्स में है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गति है इसको भी सेकंड्स में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप मुझे बताइए कि भाई किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड के लिए बदलना हो तो किससे गुणा करते हैं। शाबाश, बताइए। आई एम वॉचिंग योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स, ठीक है। यस, हम इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, दो के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तो ये क्या हो गया, 25 × 5 = 125/9 m/s। अब आपको क्या बोला गया है निकालने के लिए कि भाई टाइम कितना लगेगा, समय कितना लगेगा। तो समय क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, दूरी बटा गति। दूरी है 2000 मीटर बटा गति है 125/9। तो बेटा ये जो बड़ी फ्रैक्शन है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि ये भाग कर रही है नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को, ठीक है। तो क्या हम इसको फ्रैक्शन को हटा के हम इसको भाग लिख लें, क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे तो हम लिख लेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए मान लिया आपकी बात, ठीक है। तो क्या है बेटा, ये इस भाग को हम बदलेंगे गुणा में, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो जब ऐसा करते हैं तो अगली संख्या क्या होती है, बहुत खुश होती है, खुशी में उल्टी छलांग लगाती है। ये क्या हो गया, 125 नीचे आ गया और 9 ऊपर चला गया। अब देखिए ये दोनों संख्याएं, इसमें यहां 00 है तो मतलब ये 25 से भाग हो जाएगी, और 125 का तो हमें पता ही है कि 25 से भाग हो जाता है। तो 25 × 125 258 × 200 और ये 0 की 0 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया 5 × 5 और 16 × 5 = 80। तो ऊपर बच गया क्या, 16 नया
144 सेकंड्स। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक भाप से चलने वाला जहाज 30 दिनों में 4650 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जहाज की प्रतिदिन की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ आपको कुछ ऐसा दिया ही नहीं है, आपको सिंपल एवरेज का टॉपिक आप इससे पहले कर चुके हैं। तो गति कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं। यहाँ तो आपको एक ही चीज दी गई है, अगर कुछ और चीजें होती तो उसके लिए भी क्वेश्चन आपको आएंगे, तो हम उसके लिए भी बताएंगे। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो आपके पास है 4650 किलोमीटर का डिस्टेंस है और डेज हैं 30 डेज, और आपको यहां प्रति घंटा नहीं पूछी है, प्रतिदिन की औसत गति पूछी है। ठीक है, तो इसको हम भाग कर लेंगे, क्या है, जीरो से जीरो कट गया, 6 5 11 और 4 15, ऊपर के जो संख्या है उसके अंकों का योग 15 होता है जो 3 के टेबल में आता है, तो मतलब संख्या पूरी भाग हो जाएगी 3 से, 3 एकम 3, 3 5 15, क्योंकि 1 यहां से बचा था और 6 मिलके 16 बन गया। ठीक है, 3 5 15, तो आपका जो एवरेज स्पीड ऑफ द डे आएगी वो क्या होगी, 155 किलोमीटर पर डे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ट्रेन दिल्ली से शाम को 4:10 पर निकलती है और शाम को 7:25 पर आगरा पहुंचती है। ट्रेन की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दिल्ली से आगरा की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब यहां आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, स्पीड क्या दी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब बात है यहां पे मेन टाइम की, टाइम कितना लग रहा है। अब देखिए 4:10 पे गाड़ी चली, 5:10 पे 1 घंटा, 6:10 पे 2 घंटे, 7:10 पे 3 घंटे, तो 3 तो आवर्स हो गए। ठीक है, 7:10 पे 3 घंटे हुए, तो 10 से 25 तक कितने मिनट लगे, 25 - 10 15 मिनट। ठीक है, अब आपको ये आता है, मुझे लगता है आप मुझे खुद ही बताएंगे कि भाई 15 मिनट को अगर 1 घंटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे और कितना आएगा। यस, बताइए, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो 15 मिनट को अगर हमें घंटों में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 15 एकम 15 15 चौके 60, तो ये आ गया आपके पास 3 1/4 घंटे। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया तो क्या आएगा, इसको आप 3 से 1/4 भी लिख सकते हैं, 3 whole 1/4। ठीक है, तो जब आप उसको सॉल्व करते हैं या आप इसको बटरफ्लाई मेथड से कर लीजिए तो भी आपका आ जाएगा 3 4 12, 1 × 1 होगा 12 और 1 13/4 घंटे। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की और टाइम है 13/4, तो 4 से 40 कट जाएगा, 4 × 40, और डिस्टेंस आ जाएगा 13 × 10 130 किलोमीटर, तो 130 किलोमीटर हमारे पास यहां है। तो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट के लिए आराम करता है, तो वह 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगा। देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, आदमी की स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अगर हम इसको पर मिनट में निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 10 किलोमीटर अगर 1 घंटे में चल रहा है
ठीक है, तो एक मिनट में कितना चलेगा ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आवर्स को आप मिनट्स में बदल लीजिए। ठीक है, तो एक मिनट में, एक घंटे में, 1 आवर में ये चल रहा है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो एक मिनट में चलेगा कितना? या आप इसको पहले इस तरह से कर लीजिए, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो ये 10 किलोमीटर चल रहा है 60 मिनट्स में। 1 मिनट में कितना चलेगा? 10/60 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया एक, 1/6 किलोमीटर ये चलेगा 1 मिनट में। ठीक है, तो यहां पे आपको एक और रिलेशन आपको निकाल सकते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगाएगा। ये 6 जो है यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 मिनट। ठीक है, इसको आप अगर यहां से भी हम कर सकते थे, जैसे 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लगा रहा है, तो मतलब क्या है? ठीक है, 1 घंटे को हम 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 × 60, 6 मिनट में मतलब वो 1 किलोमीटर चल रहा है, वही हम यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंचे हैं इस तरह से करके। तो अब आपके पास क्या है कि भाई वो 5 मिनट के लिए आराम करता है 1 मिनट, 1 किलोमीटर चलने के बाद। तो 1 किलोमीटर के लिए उसने कितना चला? 6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद उसने 5 मिनट आराम किया। ठीक है, 6 मिनट चला, 5 मिनट आराम किया, फिर दूसरे 1 किलोमीटर के लिए 6 मिनट चला, 5 मिनट आराम किया, फिर तीसरे किलोमीटर के लिए 6 मिनट चला, 5 मिनट आराम किया, चौथे किलोमीटर के लिए 6 मिनट चला, 5 मिनट आराम किया, फिर 5वें किलोमीटर के लिए 6 मिनट चला वो, लेकिन अब तो पहुंच ही गया ना 5वें में, तो अब हम उसका आराम काउंट नहीं करेंगे कि उसने आराम किया, वो बैठ गया, लेकिन वो पहुंच चुका था, 5 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका था। तो आप 6 × 6, 6 × 12, 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 24, 6 × 5 = 30, 30 मिनट ये हो गए, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 3 = 15, और 5 × 6 = 20, तो 30 और 20 मिनट हुए 50 मिनट। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, यदि एक ट्रेन 4 घंटे 30 मिनट में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है और बहुत ही आसान है। क्या है? क्योंकि इससे पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पे स्पीड आपको ट्रेन की औसत गति निकालनी है, तो स्पीड आपको निकालना है, ये क्या है? टाइम है, समय है 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अब इसको आपको किस में बदलना है? घंटों में। तो 30 मिनट को अगर आप घंटों में बदलते हैं, तो 30 मिनट में कितने घंटे होते हैं भाई, बताइए। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, चलिए अच्छी बात है, आपको समझ आया है कंसेप्ट, इसलिए आप बता रहे हैं। तो 4 घंटे जमा 1/2 घंटे, तो इसको आप बदलेंगे 4 जमा 1/2 घंटे, तो ये हो गया आपका 4 × 8, 8 और 1 जमा 9/2 घंटे। ठीक है, अब है आपके पास डिस्टेंस, डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, और आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या होती है? दूरी बटा समय। तो दूरी है आपकी 180 किलोमीटर और समय है 9/2, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या अगर आप समझ चुके हैं तो आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। कैसे? हम डायरेक्टली इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 180 × 2/9, क्योंकि अब आपको इस स्टेप को बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया 9 × 9, 9 × 18 = 0, और स्पीड आपकी आ गई 20 × 2, 40 किलोमीटर पर आवर। तो 1A इज द राइट आंसर,
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उसके द्वारा तय की गई दूरी 15 सेकंड में ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आपने किया है, क्या किया है? शाबाश, मुझे बताइए कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा को हम जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बताइए बताइए बताइए। वेरी गुड, यस, 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो 18 के टेबल में 108 आता है क्या? 18 चुके 108, तो ये आ गया आपका 6×5=30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है बेटा, एक सेकंड में कितना चल रहा है? 30 मीटर, ठीक है। तो 15 सेकंड में कितना चलेगा? 30×15 मीटर, मतलब 0 की 0, 15 दिए 45, और ये हो गया आपके पास 450 मीटर। क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक 0.9 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति ज्ञात कीजिए। अ साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.9 किलोमीटर इन 3 मिनट्स, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा, आपके पास दो चीजें दी गई है, क्या है? 3 मिनट में कितना करता है डिस्टेंस? 0.9 किलोमीटर, ठीक है। 1 मिनट में कितना करेगा? इतना करेगा, क्योंकि 3 दूसरी तरफ से भाग हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? 3 × 3, 3 × 3 = 9। 1 मिनट में चलता है 0.3 किलोमीटर, ठीक है। अगर मीटर में पूछा जाता तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर्स निकाल लेते, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हमसे पूछा गया है स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो बेटा 1 मिनट में अगर इतना चलता है तो 60 मिनट में कितना चलेगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा 60, ठीक है। तो देखो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई 60×3 = 180। अब एक संख्या में दशमलव जो है, एक अंक पहले है, तो क्या है? दशमलव यहां पे एक अंक पहले लग जाएगा। अब 60 मिनट में क्या होता है? 1 घंटा होता है, तो मतलब 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलता है, जिसका मतलब क्या है? 18 किलोमीटर इन 1 आवर जो हमारी स्पीड है, तो ये आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए, ठीक है। एक तो इसका शॉर्ट टेक्निक हो सकती है, कैसे? 5 मिनट में चल रहा है 600 मीटर, 10 मिनट में कितना चलेगा? 1200 मीटर, ठीक है, उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। अब 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा, मतलब 1 घंटा हो जाएगा। तो अगर हम 12 को 6 से गुणा करते हैं तो 12×6=72, तो 7200 मीटर हो जाएगा 60 मिनट में, ठीक है। तो 7200 मीटर को हम अगर घंटे में बदलना चाहें तो क्या आ जाएगा? 7200/1000, जिसका मतलब है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 5 मिनट में 600 मीटर, 1 मिनट में 600/5, इस तरह का क्वेश्चन शायद हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आ गया 120 मीटर, तो मतलब 60 मिनट में कितना होगा? 120×60 मीटर, मतलब 7200 मीटर, ठीक है। अब 60 मिनट को तो हमने बदल लिया 1 घंटे में, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे? 1000 से, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो नीचे 3 जीरोस हैं, तो हमारे पास ये जो ऊपर दशमलव है ये भी 3 अंक पहले आ जाएगा, तो 2 से पहले दशमलव आ जाएगा। तो 1 घंटे में चलते हैं 7.2 किलोमीटर, जिसका मतलब है कि स्पीड क्या है? 7.2 किलोमीटर पर आवर। ओके,
तो सी इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, आई होप आपने कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।